नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूं आज के इस नए YouTube के वीडियो में और एक सुपर दमदार मेडिसिन के साथ आपके सामने फिर से उपस्थित हुआ हूं। वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखिए, सबके लिए कुछ ना कुछ जरूर है इस वीडियो में। जिस दमदार मेडिसिन की आज बात करने वाला है उसका नाम है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन आपको पता होगा, मूवीज में ओपेरास में इस्तेमाल करते हैं आंखों से आंसू लाने के लिए। जलता है थोड़ा, आंखों में थोड़ा डाल देंगे, आंसू निकल आते हैं। इसे उनको आर्टिफिशियली रोने में मदद मिलती है। जो वो लोग स्क्रीनशॉट देते हैं रोने का जो भीड़ होता है, तो सैड सीन को करने के लिए ग्लिसरीन यूज होता है, आपने सुना होगा। उसको दवाई के रूप में इस्तेमाल कैसे किया जाता है, बहुत ही जबरदस्त मेडिसिन है, आज हम बात करेंगे उसके ऊपर। ध्यान से सुनिएगा शुरुआत से लेकर अंत तक वीडियो को। और ये दवाई कहां से बनती है, पहले मैं आपके सामने थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन दूंगा, हिंट दूंगा, फिर उसके बारे में उसके डिजीज का क्या क्या इफेक्ट होता है, बॉडी के किस किस पार्ट के ऊपर किस तरह का इसका इफेक्ट होता है हम बात करेंगे। तो जब ये ग्लिसरीन बनता किससे है, एक केमिकल अल्कोहल आपने सुना होगा जिसका नाम है ग्लिसरॉल। ये कहां से बनता है, कहां से मिलता है, ये वेजिटेबल और एनिमल फैट से जब डिकम्पोज होकर डिकम्पोजिशन प्रोसेस होने के बाद ये बनता है ग्लिसरॉल। उसको पोटेंडाइज करने के बाद ग्लिसरीन बनता है। तो ग्लिसरीन एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि मदर डीजल के रूप में भी इस्तेमाल हो सकता है, पोटेंसी के रूप में भी इस्तेमाल हो सकता है, हर तरह का पोटेंसी, लोअर पोटेंसी से लेकर हायर पोटेंसी इसका इस्तेमाल होता है और बहुत ही जबरदस्त इसका बॉडी के ऊपर इफेक्ट है। एक डीप एक्टिंग मेडिसिन है, एक्यूट मेडिसिन होने के बावजूद एक डीप एक्टिंग मेडिसिन है। कैसे, क्योंकि बॉडी बिल्डअप करती है, लाइव टिश्यूज जो भी होती है बॉडी के अंदर जो टिश्यू बिल्डर होता है, जैसे कि अल्फा अल्फा काम करती है, वो एक हर्बल प्रोडक्ट होता है। ठीक उसी तरह बॉडी के जो भी हिस्सा होता है, इंटरनल ऑर्गन्स होता है, टिश्यूज होते हैं, उनको बिल्डअप करने का काम करती है ग्लिसरीन। तो ग्लिसरीन नम भी कहते हैं इसको, कोई कोई मेडिसिन के जो नाम लिखा होता है, तो बेसिक उसका चीज होता है ग्लिसरॉल। उसका काम क्या होता है, बॉडी को जो मरसमौस वाले कंडीशन में, बॉडी का जो भी न्यूट्रिशन में प्रभावित होता है, अब ये कोई बच्चा होता है खाना या तो ठीक से खाता नहीं है भूख ना होने के कारण, कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो ठीक से खाते हैं लेकिन उनके तन को लगता नहीं है, बॉडी में अब्जॉर्ब नहीं हो पाता, बेसिक न्यूट्रिशनल जो डिस्टर्बेंसेस होती है उसके कारण मरसम होता है। दुबला पतला लड़का आपने देखा होगा किताबों में, हमने पढ़ा था, पूरा अंजर पिंजर उसका दिखता है अंदर का, उसके ऊपर सिर्फ पिंजर के ऊपर एक पतला सा एक चमड़ा रहता है, अंदर कोई मसल्स नहीं होता, कोई जो टिश्यूज होते हैं वो डिस्ट्रक्शन हो चुका होता है उनका। तो इस जैसे कंडीशन के लिए, मरसमस कंडीशन, पूरा डेबिलिटी कंडीशन, पूरा वीक उसको फील होता है, इस तरह के कंडीशन के लिए ग्लिसरीन बहुत ही जबरदस्त दवा है। किसी भी कंडीशन में कोई भी उसको फील करे तो आप बिल्कुल दे सकते हैं। लोअर पोटेंसी से लेकर हायर पोटेंसी तक इसका इस्तेमाल होता है। पोटेंसी सिलेक्शन भी उसी तरह से होगा, बच्चों के लिए आप या बड़ों के लिए, कोई भी क्यों ना हो, लोअर पोटेंसी से आप शुरुआत करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके इसका पोटेंसी में इंक्रीज करना है हमको। अब बात करेंगे ये ग्लिसरीन जो होता है और कौन सी चीज के लिए काम करता है। बड़ों लोगों के लिए डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में मैंने कितने ना जाने वीडियो में 25-26 वीडियो में जिक्र किया है। बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट में भेजा कि सर आपने तो डायबिटीज के लिए दवाई बता दी है, लेकिन डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन के कारण जो वीकनेस फील होती है, चाहे वो फिजिकल वीकनेस हो या मेंटल वीकनेस हो, उनको टैकल करने के लिए क्या मेडिसिन होना चाहिए। तो मैंने बहुत सारे लोगों को एसिड फॉक्स भी बोला था, चाइना भी बोला था, आज और एक मेडिसिन जो कि प्रैक्टिकली हमने यूज करके देखा है, सक्सेसफुल हुआ है, वो है ग्लिसरीन। डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस में अगर किसी को वीक फील होता है, बहुत ही वो वीक फील करता है, कोई काम करने को मन नहीं होता, मेंटली वीकनेस हो, फिजिकल वीकनेस हो, बहुत ही जबरदस्त काम करता है। यूरिन में उसके शुगर जाता है, लोग सोचते हैं अरे मेरे यूरिन में तो शुगर चला गया, मुझे वीक फील हो रही है, तो इस तरह के कंडीशन में ग्लिसरीन 30 बिल्कुल देकर देखिए, दिन में दो बार करके 10 से 15 दिन, पूरा उसका स्फूर्ति आ जाएगी, एनर्जी आ जाएगी उसमें। ये बहुत ही जबरदस्त मेडिसिन है ग्लिसरीन। बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं जिनको इंटरनली टिश्यू में डैमेज हो चुका था, उनका रिकवर करने की ताकत है ग्लिसरीन में। बहुत सारे लोग जिनको मतलब एल्बुमिन आ रहा था, शुगर आ रहा था यूरिन में, उनको भी ये रिकवर कर लेता है, टिश्यू बिल्डअप कर लेता है, टिश्यू के डिस्ट्रक्शन के कारण जो भी ये होता है एल्बुमिनूरिया के केसेस में, उनको ये रिकवर करने की ताकत है, इसलिए इसको बोलते हैं टिश्यू बिल्डर। बहुत ही जबरदस्त मेडिसिन ग्लिसरीन 30 पोटेंसी में सबसे बेहतरीन दवाई है।
यूज कर सकते हैं 4 से 5 बूंद दिन में 2 बार करके 10 से 15 दिन, फिर 200 का 3 डोजेस, जैसे कि मैंने पहले भी जो भी पोटेंसी वीडियो में कहा है। फिर उसके बाद 1 महीने के बाद 1 एम का एक सिंगल डोज, बहुत ही जबरदस्त काम करेगा ग्लिसरीन 30 यूज करके देखिए। और भी बहुत सारी बीमारियों के लिए इसका प्रूफ हो चुका है, प्रैक्टिकली क्लिनिकली भी ट्रायल एंड टेस्टेड हो चुका है, जैसे कि जितने भी नर्व्स के कंडीशन है उसके साथ साथ बहुत सारे इंटेस्टिनल और गैस्ट्रिक सिम्टम्स में भी, जहां पर वीक फील करता है, प्रॉपरली हजम नहीं होता, प्रॉपरली न्यूट्रिशन का अभाव होता है, कुछ भी खाना खाता है पचता नहीं है, इस तरह के कंडीशन में भी एसोसिएटेड के रूप में आप ग्लिसरीन 30 यूज कर सकते हैं, बहुत ही जबरदस्त काम करता है। और कहां पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे निमोनिया के केसेस हो, इन्फ्लुएंजा वाले केसेस हो, जहां पर रेस्पिरेटरी सिस्टम का वीकनेस फील होता है, उनका जो फेफड़े होते हैं वो कमजोर हो जाते हैं, बार बार उनको इन्फ्लुएंजा सर्दी जुकाम लगा जाता है और वीक फील करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि मुझे बुखार हो गया सर, सर्दी जुकाम वगैरह, मैं वीक फील करता हूँ। वो मेंटली भी वीक फील करते हैं, फिजिकल भी वीक फील करते हैं। तो इस तरह के कंडीशन में आप जो भी दूसरे दवाई देते हैं उनको दीजिए, लेकिन उसके साथ साथ ग्लिसरीन दीजिए, बहुत ही जबरदस्त काम करेगा। तो ये ग्लिसरीन जो होता है आमतौर पर जितने भी जिस्ट के रूप में अगर हम देखते हैं, तो पूरे बॉडी के मेटाबॉलिक प्रोसेस को कंट्रोल करता है, उसको अफेक्ट करता है, जितना उतना कंट्रोल भी करता है। जिनका बिगड़ गया है उनको वो पटरी पे लाता है। ये मतलब हेल्दी इंडिविजुअल में जो प्रूविंग हुआ है इसका, तो एक हेल्दी इंडिविजुअल के मेटाबॉलिक को डिस्ट्रॉय कर देता है ये। ठीक उसी तरह होम्योपैथी, क्योंकि मेडिसिन है, जो जिस तरह का बीमारी प्रोड्यूस करता है उस तरह का, उसको जो बीमारी अगर हो तो वो अगर दी जाए पोटेंडाइज फॉर्म में तो उसको क्योर कर सकता है। तो ये प्रूविंग हो चुका है। तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जिन भी लोगों का होता है, क्योंकि डायबिटीज भी एक मेटाबॉलिक डिजीज होता है, मारास्मोस और डेबिलिटी जो टिश्यू वेस्ट के कारण, ये सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होते हैं। तो इनमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल आप ग्लिसरीन दे सकते हैं, बहुत ही जबरदस्त काम करता है, क्योंकि ये कंट्रोल करता है मेटाबॉलिक जो भी प्रोसेस है बॉडी के। उसके साथ साथ इसके और भी बॉडी पार्ट्स के ऊपर अलग अलग इफेक्ट होता है, सर में भारीपन रहना, सर में दर्द होना, थोड़ा मूवमेंट होने में तकलीफ होना, ये सब चीजों के लिए भी ये काम करता है। उसके साथ साथ ये क्योंकि मेटाबॉलिक प्रोसेस को अफेक्ट करता है, जिस इंसान को ये प्रॉब्लम है उसको प्रॉपरली भूख नहीं लगता ठीक से, उसको मतलब लैट्रिन भी नहीं होती, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है, और उसके साथ साथ बॉडी के जो भी नजल सिम्टम है, सर्दी जुकाम होना, नाजो फायरिंग्स बोलते हैं, जो थ्रोट वाले जो भी सिम्टम्स है, गले में वो खराश हो जाना, और छाती का जो भी फेफड़ों का सिम्टम है, गैस्ट्रोइंटेस्ट, जहां पर भी आपको वीकनेस फील हो, कोई भी डिजीज के कारण अगर वीकनेस फील हो अंदरूनी तौर से, मेंटली भी फिजिकल भी, मेंटली तौर पर कैसे वो डल फील करता है, कोई उसको काम करने की कोई मतलब वो स्फूर्ति नहीं होती, वो ताजगी नहीं होती, हमेशा बैठा रहता है डल करके, जैसे कैल्कियाकार पेशेंट और शालीसा पेशेंट वैसे होते हैं ना, उनको काम करने की कोई इच्छा नहीं होती, तो इस तरह की भी डलनेस सिम्टम होती है ग्लिसरीन में, आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही जबरदस्त काम करता है। ग्लिसरीन को बहुत सारे डिजीज में सक्सेसफुली प्रूफ कर किया जा चुका है, हमने भी इस्तेमाल किया है, आप भी इस्तेमाल करके देखिए, बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है और सक्सेस आपको जरूर मिलेगा कभी भी इस तरह के कोई डिजीज में अगर आप इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, कीप शेयरिंग ऑल माय वीडियोस, हर वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए, ताकि आने वाले दिनों में ये जो टॉप क्लास के मेडिसिन मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं आपको आमतौर पर कहीं नहीं मिलेगा। कुछ कुछ ऐसे मेडिसिन होते हैं जो छुप गए हैं, छुपा दिया गया है उनको, उनका जो बेहतरीन जो बेनिफिट्स है लोगों के सामने नहीं आने दिया जा रहा है। वो जो भी जानते हैं इसके पायोनियर्स, वो डॉक्टर्स अपने साथ इसको ले जा रहे हैं, वो किसी को नहीं बोलते, अपने शागिर्द हो, अपने कोई भी जानने पहचाने वाले हो, अपने घर तक वो नहीं बताते, अपने साथ ही ले जाते हैं। लेकिन मैं जितने भी जानता हूं आपके सामने खोल के रखने वाला, वो राज होम्योपैथी के मैंने आपको वादा किया था, जितने भी राज है होम्योपैथी के मैं आपके सामने खोल के रखूंगा, ताकि आने वाले दिनों में हमारा होम्योपैथिक साइंस पूरे दुनिया में राज कर सके, और ये होगा, जरूर होगा, मेरा ये पूरा यकीन है, और दम के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो आपका साथ जरूर चाहिए, आप लोग बिल्कुल मेरे इस सफर में मेरे साथ आगे बढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद और कीप शेयरिंग ऑल माय वीडियोस। नमस्कार।